झांसी के मऊरानीपुर में एक सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग लोग लाठी डंडों से महिला और बच्चों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे। वहीं पूरा मामला मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मोहल्ला कटरा से सामने आया, जहां के रहने वाले राजकुमार सोनकर पुत्र चौकियाल ने कोतवाली प्रभारी को प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि उनके बेटे को भाई उनका घर लेकर जा रहा, तभी कुछ लोगों ने उसे रोककर उसके साथ गाली गलौज करने लगे, जिसके बाद उक्त लोगों द्वारा घर के बाहर एक राय होकर लाठी डंडों से महिला और बच्चों के साथ मारपीट करने लगे। उक्त घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वहीं पीड़ित दबंगों पर कार्रवाई की मांग की। प्राइम डी के न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राम कुमार सोनकर। क्या घटना हुई है पुलिस द्वारा? कब की घटना है? 2 तारीख दिन रविवार सुबह 8 बजे नगर पालिका चौराहे से मेरा छोटा भाई अपने लड़के को केला लेके घर पे की ओर आ रहा था। उसी समय गोलू उपहर्ष उसे गाली देने लगा, मना करने पर मारपीट करने लगे। घर के सारे लोग आए तो एक खट साथ होके डंडा से उसे मारपीट की और उसके लड़के को मारा, बेरहमी से मारा। पुलिस के पास गए तो एप्लीकेशन हम ही लोगों के ऊपर मुकदमे लगा दिए, उन लोगों के ऊपर NCR करके हम लोगों के ऊपर ज़्यादा धारा, हमारी पूरी महिलाओं के ऊपर। उस समय घर का कोई था नहीं, सड़क बीच रोड का मामला है बुंदेलखंड स्कूल का आगे उसके अमित मिश्रा के घर के दौरे का मामला है सुबह 8 बजे का। हाँ, तो अभी क्या कार्रवाई हुई है? अभी उनके ऊपर कुछ नहीं हुई, NCR हुई। NCR जी, और कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो उन लोगों के ऊपर, कड़ी से कड़ी धाराएं।